हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडियन विलेज फूड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कटहल की बहुत ही टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएँ, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उनको मिल सके। तो दोस्तों, आज हम बनाएंगे कटहल का कोफ्ता। तो चलिए शुरू करते हैं। कटहल के कोफ्ते की रेसिपी बनाने के लिए हमने कुछ सब्जियाँ यहाँ ले लिए हैं। तो सबसे पहले सब्जियों को काट कर तैयार कर लेते हैं, कटहल को छील कर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले कटहल को छीलने के लिए हाथों में थोड़ा तेल लगा लेंगे, क्योंकि इसमें दूध होते हैं तो ये जो है हाथों में चिपकते हैं। तो अगर तेल लगा लेंगे तो इससे ये हाथों में चिपकेंगे नहीं। तो इसे हम छील के काट के इसको तैयार कर लेते हैं। इसके हम थोड़े बड़े बड़े पीस काटेंगे, क्योंकि इसे हमें जो है उबालना है। इसे हम थोड़ा उबाल लेंगे जिससे ये मुलायम हो जाए, तब इसकी सब्जी जो है बनाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्जी। कटहल के बीच वाले भाग को निकाल देंगे। इस तरह से इसे कट कर लेंगे बड़े बड़े पीसेस में। कटहल को काट लेने के बाद इसे हम दो तीन पानी से धुल लेंगे। इसके बाद इसे एक बर्तन में हम पानी डाल के रख देंगे उसे बॉईल होने के लिए। तो इसे हम पहले पानी डाल के रख देते हैं आंच पर। बाकी की सब्जियां भी तैयार कर लेते हैं। तो प्याज के हमने छोटे छोटे टुकड़े काट लिए हैं, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिए हैं। तड़के के लिए हमने जीरा, तेजपत्ता, हींग, दो साबुत लाल मिर्च और कुछ खड़े मसाले लिए हैं। खड़े मसालों में हमने सभी मसाले लिए हैं। तो इन मसालों को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, उसके बाद इसे पीस कर हम बाद में डालेंगे ऊपर से जब सब्जी तैयार होगी तब। और साथ में हमने लिए एक कटोरी बेसन, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, डेढ़ चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच हल्दी पाउडर। कटहल को चेक कर लेंगे और जब ये अगर मुलायम हो गए हों तो इन्हें हम आँच से उतार के इनको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये आसानी से टूट जा रहे हैं। कटहल जब ठंडा हो जाए तो इसे निचोड़ के इसका पानी निकाल देंगे। उसके बाद इसे हम तोड़ लेंगे, या फिर अगर आप चाहें तो इसे खलबट्टे की सहायता से इसे कूट के अलग कर लें। इसके बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट और आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार और एक चौथाई चम्मच इसमें हम डालेंगे बेकिंग सोडा। उसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद इसमें हम बेसन डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। बेसन में अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद इसे हम कोफ्ते के आकार में बनाएंगे गोल गोल। उसके बाद इसे हम तेल में फ्राई करेंगे। कढ़ाई को हमने आँच पे चढ़ा दिए हैं और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। सरसों का तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें हम सभी कोफ्ते डाल देंगे और इसे मीडियम आँच पर फ्राई करेंगे, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये हमने सभी कोफ्ते तैयार कर लिए हैं बनाकर और अब इसे हम तेल में फ्राई कर लेते हैं। तेल में इसे पलटते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से गोल्डन ब्राउन जब हो जाए तो इन्हें हम तेल से अलग कर लेंगे। इसी तरह से हम सभी कोफ्ते फ्राई कर लेंगे।
ये देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और ये बहुत ही सुनहरे लग रहे हैं। कोफ्ते फ्राई हो जाने के बाद बचे हुए तेल में हम तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ तेल में तेजपत्ता, जीरा डाल दिए हैं और साथ में हम डाल देते हैं हींग और साबुत लाल मिर्च। इन्हें थोड़ा हम चला लेते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। अब बारीक कटी हुई प्याज डाल के इसको बराबर हम चलाते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे प्याज को। आंच का फ्लेम थोड़ा कम ही रखेंगे, नहीं तो प्याज अच्छे से भूनेंगे नहीं, जल जाएंगे। प्याज भून जाने के बाद अब इसमें हम डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। बराबर चलाते रहेंगे और इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका कच्चापन ना निकल जाए। इसके बाद हम इसमें मसाले डाल के भूनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाने के बाद इसमें हम मसाले डाल के भूनेंगे। तो मसालों में हमने हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर इन सबको डाल दिए हैं और साथ में हम थोड़ा पानी ऐड कर लेंगे जिससे मसाले अच्छी तरीके से पक जाएंगे। और इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए और आंच का फ्लेम धीमा कर देंगे। बीच बीच में मसालों को चलाते रहेंगे नहीं तो ये तली में जलने लगेंगे। मसाले जब तेल छोड़ने लगें तो इसमें हम डालेंगे टमाटर का पेस्ट। मसाले अब तेल छोड़ने लगे हैं तो इसमें अब हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। और टमाटर का पेस्ट जैसे ही डालेंगे साथ में हम डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि साथ में नमक डाल देने से टमाटर अच्छी तरीके से पक जाते हैं और इससे सब्जी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो आप जब भी टमाटर का इस्तेमाल करें सब्जियों में, चाहे वो काट के डालें या पेस्ट बना के, तो साथ में नमक भी ज़रूर डाल दें। इससे टमाटर अच्छी तरीके से पक जाते हैं, उनका कच्चापन भी निकल जाता है। तो अब इसे हम ढक देंगे थोड़ी देर के लिए। हमने जो खड़े मसाले लिए थे उन्हें हम थोड़ा भून लेते हैं, उसके बाद इन्हें हम पीस लेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। तो टमाटर भी अब तेल छोड़ने लगे हैं, इसका मतलब टमाटर अच्छी तरीके से पक गए हैं। तो अब इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। आप जितना ग्रेवी पसंद करते हैं उस हिसाब से आप पानी ऐड कर लें। पानी डाल लेने के बाद इसे हम थोड़ा देर पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए कोफ्ते। और साथ में हम डाल देंगे जो हमने गरम मसाले भून के उसे पीस लिए थे उसे डाल देंगे। गरम मसाले बाद में डाल देने से सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी और टेस्टी हो जाती है। तो अब इसे डाल देने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। गरम मसाला ऐड कर लेने के बाद अब सब्जी को ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। इसे 2 से 3 मिनट तक पकने के बाद आंच का फ्लेम बंद कर देंगे। तो दोस्तों आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। ये बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए रेसिपी के साथ।